हेलो फ्रेंड, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो एक और इंटरेस्टिंग कंपैरिजन वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। फाइनली वीवो ने अपना एक और पावरफुल स्मार्टफोन वीवो T2 5G को लॉन्च कर दिया। वही दूसरी तरफ वीवो का ही पॉपुलर स्मार्टफोन वीवो का T1 5G, इन दोनों स्मार्टफोन के अगर प्राइस की बात करी जाए तो वीवो के T2 5G को 18,999 रुपये की प्राइस में 6GB की रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरियंट को बाय कर सकते हैं। वही दूसरी तरफ वीवो के T1 5G को 16,990 रुपये के प्राइस में 6GB की रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को बाय कर सकते हैं। दोनों स्मार्टफोन में 2,000 रुपीज का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो अगर आप लोग भी जानना चाहते हो कि इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों के लिए परफेक्ट स्मार्टफोन है, जानने के लिए आज के इस कंपैरिजन वीडियो को आप लोगों को पूरा जरूर देख के जाना चाहिए। तो बिना देरी करे चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोनों स्मार्टफोन का अगर परफॉर्मेंस की बात करी जाए, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि एक स्मार्टफोन के लिए उसका प्रोसेसर काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जैसे कि इन दोनों स्मार्टफोन के प्राइस में 2,000 रुपीज का डिफरेंस देखने को मिल जाता है, पर परफॉर्मेंस के लिए दोनों स्मार्टफोन में एक जैसा ही प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, क्योंकि वीवो के T2 5G में भी क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ वीवो के T1 5G में भी क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि वीवो के T1 5G के पास एक एडवांटेज है कि आप लोगों को 2,000 रुपीज कम खर्च करने के बावजूद भी वीवो के T2 जैसा ही परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। दोनों स्मार्टफोन का अगर डिस्प्ले सेगमेंट की बात करी जाए तो डिस्प्ले के मामले में तो काफी ज्यादा बेस्ट हो जाता है वीवो का T2 5G, क्योंकि वीवो के T2 5G में 6.38 इंच की फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 90Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और डिस्प्ले में HDR10 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ वीवो के T1 5G में 6.58 इंच की फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, पर डिस्प्ले में HDR10 का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता, जो कि काफी ज्यादा बेटर क्वालिटी की डिस्प्ले आप लोगों को वीवो के T2 5G में देखने को मिल जाती है। दोनों स्मार्टफोन का अगर कैमरा सेगमेंट की बात करी जाए तो वीवो के T2 5G के बैक में डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं। 64 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है, जिसका अपर्चर F1.79 अपर्चर देखने को मिल जाता है। बाकी का दूसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का मिल जाता है विद LED फ्लैश लाइट के साथ। वहीं दूसरी तरफ वीवो के T1 5G के बैक में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं। 50 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है, जिसका अपर्चर F1.8 अपर्चर देखने को मिल जाता है। बाकी के दो कैमरे 2+2 मेगापिक्सल के मिल जाते हैं विद LED फ्लैश लाइट के साथ, जो कि बैक का कैमरा आप लोगों को वीवो के T2 5G में काफी ज्यादा बेटर देखने को मिल जाता है। इन दोनों स्मार्टफोन का अगर सेल्फी कैमरे की बात करी जाए तो प्राइस में 2,000 रुपीज का डिफरेंस देखने को मिल जाता है, पर सेल्फी के मामले में दोनों स्मार्टफोन बिल्कुल एक जैसे, क्योंकि दोनों स्मार्टफोन में एक जैसा ही मेगापिक्सल वाला एक अपर्चर का ही सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। वीवो के T2 5G में भी 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, जिसका अपर्चर F2.0 अपर्चर देखने को मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ वीवो के T1 5G में भी 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, जिसका अपर्चर F2.0 अपर्चर देखने को मिल जाता है, जो कि दोनों स्मार्टफोन में से आप लोगों को फ्रंट का कैमरा एक जैसा ही देखने को मिल जाएगा। दोनों स्मार्टफोन का अगर बैटरी सेगमेंट की बात करी जाए तो वीवो के T2 5G में 4500 mAh की एक बैटरी मिल जाती है। 44W के फ्लैश चार्जिंग के साथ USB टाइप सी पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ वीवो के T1 5G में 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी मिल जाती है, सिर्फ 18W का ही फास्ट चार्जिंग के साथ USB टाइप सी पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सिक्योरिटी फीचर की अगर बात करी जाए तो वीवो के T2 5G में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है, जबकि वीवो के T1 5G में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता। तो बात करी जाए कि दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों के लिए बेस्ट है। प्राइस में 2,000 रुपीज का डिफरेंस देखने को मिल जाता है, पर परफॉर्मेंस के लिए दोनों स्मार्टफोन में एक जैसा ही प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, पर वीवो के T2 5G के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि एक अच्छे गेमिंग प्रोसेसर के साथ साथ बेस्ट क्वालिटी की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। फ्रंट और बैक में एक अच्छा कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, ज्यादा फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और आप लोगों को इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है, जो कि वीवो के T1 5G में देखने को नहीं मिलता है। तो आप लोग भी अपने लिए एक नया ऑलराउंडर स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग 2,000 रुपए ज्यादा खर्च करके वीवो के T2 5G को ही बाय करें।